नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज सज धज कर हुआ तैयार। एक माह तक चलने वाले मेला का गुरुवार को होगा उद्घाटन। नगर निगम के जलकल कर्मियों ने किया औजार बंद हड़ताल। पार्षद ने बोरिंग का तोड़ा ताला, शुरू हुई जलापूर्ति। कोलकाता से पूर्णिया जा रहे कंटेनर से गैस हुई लीक। लोगों में मची अफरा तफरी। प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गंगा घाट में स्नान के दौरान कांवरियों का सामान हुआ चोरी। संदेह के आधार पर पुलिस ने पंडा को किया गिरफ्तार। जमकर हुआ हंगामा। और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश हुए उद्योग मंत्री। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के शुरुआत के इंतजार की खड़ी अब पूरी हो चुकी है और अब 14 जुलाई को अजकैविनार धाम में औपचारिक रूप से श्रावणी मेला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर बुधवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, सदर SDO धनंजय कुमार समेत कई अधिकारी मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान DM और SSP ने जिला और प्रखंड के अधिकारियों से मेला और उद्घाटन स्थल से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेकर उद्घाटन स्थल का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावणी मेला उद्घाटन समारोह की शुरुआत गुरुवार के शाम 4 बजे जहाज घाट पर होगी, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। DM ने कहा कि उद्घाटन समारोह में चर्चित गायक कलाकार हंसराज रघुवंशी शामिल होकर कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे, जबकि श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित कई विभाग के मंत्री भी शामिल होंगे। DM ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी विभागों की ओर से कांवरियों की सुविधा के इंतजाम किए गए हैं, जबकि गंगा स्नान करने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। इधर SSP बाबूराम ने कहा कि श्रावणी मेला क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर 14 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि 6 सहायक थाना भी बनाया गया है। SSP ने कहा कि मेला क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है और बाहर से आने वाले बड़े वाहनों को प्रवेश इस मार्ग में वर्जित रहेगा। साथ ही कहा कि शहर के व्यवसायियों के लिए रात्रि में वाहन प्रवेश की अनुमति दी गई है। मौके पर जिला एवं प्रखंड के अधिकारी के अलावा कई विभाग के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। काम लगभग पूरा हो गया है, जो फिनिशिंग टच दिया जाना है सभी विभागों के द्वारा, वो भी जो है आज रात तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा और कल उद्घाटन है। 4 बजे संध्या में उद्घाटन कार्यक्रम इसी जहाज घाट पर प्रस्तावित है और उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हंसराज रघुवंशी जी का यहाँ कार्यक्रम भी है। तो जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है, चाहे वो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से डिप्लॉयमेंट, एडिशनल पुलिस फोर्स, तो सारा जो है रिसोर्स हम लोगों को मिल चुका है विभिन्न विभागों का, चाहे वो PHD हो, हेल्थ हो, नगर विकास विभाग हो, या नदी में बैरिकेडिंग करने के लिए जल संसाधन विभाग का कार्य होता है, वो भी अंतिम चरण में है और हम लोगों की बिल्कुल पैनी नज़र रहेगी आगे एक माह तक। हम लोग दैनिक प्रतिवेदन भी लेंगे, जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है। पूरे मेला क्षेत्र को 14 सेक्टर क्षेत्रों में बांटा गया है, तो सेक्टर के जो पदाधिकारी रहेंगे डेली सुबह शाम में रिपोर्ट करेंगे साफ़ सफाई, गंदगी, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पार्किंग इत्यादि के बारे में। वो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, उसके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। डायरेक्टर DRDO को मेला दंडाधिकारी बनाया गया है। व्यवस्था को लेकर शहर को 14 सेक्टर में बांटा गया है और 6 सहायक थाना बनाए गए हैं मुख्य थाना के अलावा, और सभी जो शहर में प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर बैरियर लगा के ट्रैफिक कंट्रोल करने की व्यवस्था की गई है। शहर के बाहर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और शहर के अंदर में मेला क्षेत्र में गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो लोकल व्यापारी लोग हैं उनके दुकान पर माल आने के लिए रात्रि में 3 घंटे का समय लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो घाट हैं वहाँ विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से प्रतिनियुक्त किया गया है। सादे कपड़े में भी जो फोर्स को लगाया गया है ताकि जो असामाजिक तत्व रहते हैं, पॉकेट मार रहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। भागलपुर नगर निगम के जल कल कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में औजार बंद हड़ताल पर चले गए हैं। संघ की मांग है कि जिन दैनिक कर्मियों की सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें नियमित किया जाए। संघ ने सेवा नियमित नहीं होने तक 18,000 से 21,000 रुपये मासिक वेतन भुगतान करने की मांग की है। वहीं भागलपुर वाटर वर्क्स वर्कर्स यूनियन समेत शहर के सभी बोरिंग पर काम करने वाले
वाले पंप ऑपरेटर्स के हड़ताल पर जाने के बाद नगर निगम के जिम्मेदारों के होश फाकता हो गए। शहर में पानी के लिए हाहाकार मचा है। मंगलवार की मध्यरात्रि से हड़ताल के कारण लोगों को भीषण गर्मी में जल संकट से जूझना पड़ रहा है। यूनियन ने हड़ताल की जानकारी प्रधान सचिव नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर समेत कई अधिकारी को दी है। अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर ने बताया कि उन लोगों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इधर कुछ वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड में बोरिंग का ताला तोड़कर जलापूर्ति शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 25 के पार्षद गोविंद बनर्जी ने बुधवार की सुबह बोरिंग का ताला तोड़ दिया। हालांकि पार्षद के ताला तोड़ने की चर्चा नगर निगम कार्यालय में भी दिन भर होती रही। कुछ कर्मचारी दबी जुबान से ताला तोड़ने वाले पार्षद पर FIR दर्ज कराने की बात भी करते दिखे। शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर, सिटी मैनेजर रवि चंद्र वर्मा, जलकल शाखा के इंजीनियर कृष्णा प्रसाद एवं हड़ताली कर्मियों के बीच बुधवार को वार्ता हुई। हड़ताली कर्मियों ने नगर आयुक्त के सामने अपनी मांगों को रखा, जिस पर नगर आयुक्त ने 15 दिनों के अंदर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया। वहीं नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। भागलपुर नगवछिया मुख्य मार्ग प्रवत्ता स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के समीप अचानक HP गैस वाहन से गैस लीक होना शुरू हो गया, जिसकी सूचना अविलंब भागलपुर जिला प्रशासन को दी गई। वहीं इसके बाद जिला प्रशासन की त्वरित पहल पर पुलिस बल और अग्निशमन की टीम के अलावा STRF टीम भी मौके पर पहुंची और समय रहते बढ़ती गई सावधानी से बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि HP गैस वाहन कोलकाता से पूर्णिया जा रहा था, तभी बीच रास्ते में ही गैस रिसाव शुरू हो गया। जबकि इसकी जानकारी मिलते ही पूर्णिया से भी HP गैस एजेंसी के CEO ने भी पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं इसके कारण भागलपुर नवगछा मुख्य मार्ग पर करीब 4 घंटे आवागमन बंद रहा। इधर मामले को लेकर कंपनी के CEO ने बताया कि कम प्रेशर के कारण गैस लीक हो गया, लेकिन प्रशासन की तत्परता के कारण बड़ी घटना होने से टल गई। एक गैस टैंकर है, उसमें प्रेशर बढ़ जाने की वजह से कुछ लीकेज हो रहा है, तो उसमें फायर ब्रिगेड है, NDRF भी आई हुई है, LTPO साहब भी हैं, सभी लोग हैं और टीम भी आ रही है। पूर्णिया से लगातार बात हो रही है, टीम पहुंचने वाली है और एक लोकल मैकेनिक से भी कराया गया है। अभी वर्तमान में कंट्रोल है और जब टीम आ जाती है तो फाइनल उसको देखते हैं। कहाँ से आई थी, कहाँ जाना था गाड़ी? आ रही थी पूर्णिया, जा रही थी हल्दिया से आ रही है गाड़ी। इसमें क्या होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, तो जो कि अगर गैस का बढ़ जाए प्रेशर अंदर धूप की वजह से तो वो खुल जाता है, तो वही इसका खुल गया था, बंद नहीं हो पा रहा था, तो उसको बंद करने के लिए हम लोग आ करके उसको मैनुअल बंद कर दिए हैं। और इसमें 2 वाल्व रहता है, क्योंकि एक ख़राब था एक सही था, तो जो ख़राब वाला उसको बंद कर दिए हैं, सही वाला बराबर काम कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की शुरुआत गुरुवार को होगी, जिसको लेकर जहां जिला प्रशासन की ओर से तैयारी अंतिम चरण में है, वहीं बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुल्तानगंज के जहाज घाट और अजकैवीनाथ गंगा घाट में कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान अजकैवीनाथ गंगा घाट एवं जहाज घाट के समीप 2 कांवरियों का सामान और रुपये की चोरी होने की शिकायत पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से शक के आधार पर एक दुकानदार और एक पंडा को गिरफ्तार कर जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस की इस मनमानी से नाराज दुकानदार और पंडा समाज की ओर से सुल्तानगंज थाने में जमकर हंगामा किया गया। इसको लेकर पंडा ने बताया कि जहाज घाट में धनवाद के कांवरिया की 2 मोबाइल और 20,000 रुपये की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर शाहबाद निवासी पंडा नरेश झा के पुत्र प्रशांत झा और मुंगेर के हारपुर सीताराम यादव के पुत्र दुकानदार रोहित कुमार को पुलिस ने पकड़कर जबरन लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रोशित पंडा और दुकानदारों ने एकजुट होकर थाना परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे सभी पंडा और दुकानदारों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। साथ ही थानाध्यक्ष ने पकड़े गए पंडा और दुकानदार को भी छोड़ दिया। वहीं पीड़ित कांवरिया शंकर भूनिया ने बताया कि जहाज घाट में गंगा स्नान के लिए जाते वक्त एक दुकान के पास अपना बैग और छोला रख दिया, जिसमें 2 मोबाइल और 20,000 रुपये भी रखा था, लेकिन गंगा स्नान कर वापस आने पर बैग और पैसा गायब था। इसके अलावा शंभुगंज कुरमा निवासी राजा राम शाह के पुत्र कांवरिया मिथुन कुमार शाह का भी मोबाइल और 20,000 रुपये आज कैबिनाथ गंगा घाट में स्नान के दौरान गायब हो गया, जिसके लिखित आवेदन देकर शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। साथ ही दोनों पीड़ित कांवरिया ने पुलिस प्रशासन से अपने सामान की बरामदगी की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस गंगा घाट पर मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि चोरी की वारदात का सिलसिला श्रावणी मेला शुरू होने से पूर्व ही शुरू हो गया, जबकि अभी पूरा सावन माह बाकी है और इस तरह की घटना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। चोरी हुआ बम का, तो पंडित जी को पकड़ के लेके चला आया है, बिना मतलब का कह रहा है कि यहाँ का SI जो पकड़ के लेके आया, कहता है कि हमको
तुम गच लो, हम छोड़ देंगे। उतना मारा है ना कि हाथ पे और चूतर पे देख लीजिए पंडित जी का क्या दशा है। और दुकानदार जो भी जो है ना वो चल नहीं पा रहा, उतना उसको मारा है। काय मारने का बस चोरी का, तुम गचो खाली, तुम का तुम छोड़ देंगे तुमको। चोरी नहीं किया वो लोग, चोरी नहीं किया है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार साहब साहब। जब जाकर भी पटना बोलता है, धनबाद बोलता है, कभी क्या क्या कहता है? चोरी कितना का चोरी बोल रहा है? चोरी का 40,000 चार मोबाइल बोल रहा है, 50,000 डिमांड, 80,000 बोल रहा है। जब चोरी कहाँ हुआ था? जहाज घाट में। तो क्या फिर आप लोग क्या किए? हम लोग क्या करें, यानी कि पंडा को मारते हैं, थाना लेकर आया आया प्रशासन। और क्या उसी का हम सीधा नहीं चाहते, वो मारे क्यों भी सीधा जानते हैं। मेरा प्रश्न है, वो हाथ क्यों छोड़ा पंडा पे? चोरी नहीं किया है, चोरी पंडा क्या करेगा? बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर बुधवार को भागलपुर पहुंचे, जहां वे एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान मंत्री ने कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के पूर्व मामले की सुनवाई में हिस्सा लिया। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उद्योग मंत्री से भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन को बरी कर दिया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहपुर में शहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वो अब तक जमानत पर चल रहे थे। लेकिन बुधवार को कोर्ट के आदेश पर अदालत में सशरीर हाजिर होने के बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया। लोकसभा का चुनाव 2009 का हुआ था, अब सदानंद बाबू, शकनी बाबू और मैं, हम तीनों आपस में चुनाव में उम्मीदवार थे। और 2009 में ही एक इसीपुर बाराहाट में 21/9 FIR झूठा किया था और कहा था कि वहाँ पर इनका पंपलेट छपा सटा हुआ मिला। सदानंद बाबू तो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी बड़ी हुए, सकनी बाबू और हम भी उसमें निर्दोष करार दिए गए, बरी कर दिए गए। लेकिन जिस अधिकारी ने केस किया, कितना हरासमेंट हुआ है, कितना तेल जला आने जाने, कितना एनर्जी वेस्ट हुआ, ऐसे लोगों पर पता करके उस पर गलत मुकदमा करने का, जो गलत काम किया था उस अधिकारी पर एक केस करेंगे, आगे एक नज़ीर पेश हो कि जनप्रतिनिधि को कुछ जो अधिकारी है वो समझता है कि चुनाव में उसको अधिकार मिल जाता है तो वो तानाशाह हो जाता है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। भागलपुर के नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रावण मास के एक दिन पूर्व भक्त मंडली की ओर से भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा मनस्कामना नाथ का रुद्राभिषेक कर विशेष रूप से भोग लगाया गया, जबकि अभिषेक के दौरान बाबा मनस्कामना नाथ को दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल अर्पित कर उनका भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। वहीं इस दौरान सभी भक्तों के कल्याण की कामना करते हुए भक्त मंडली की ओर से बाबा का जयकारा लगाया गया। रुद्राभिषेक में मंदिर के आचार्य पंडित माना शुक्ला, पंडित प्रवीण झा, पुजारी सुनील शुक्ला, दिलीप शुक्ला और अजय शुक्ला शामिल रहे। मौके पर संजीव सिन्हा, अमोद कुमार, अशोक साहब, मिथुन कुमार समेत काफी संख्या में शिव भक्त उपस्थित थे। बाबा मनस्कामनाथ मंदिर के भक्तों के द्वारा प्रत्येक वर्ष सावन के पूर्व, सावन के एक दिन पहले या दो दिन पहले प्रत्येक वर्ष रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है सभी भक्तों के द्वारा, और हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। विगत दो वर्ष कोरोना के कारण ये पूजन नहीं हो पाया था, तो इस बार अचानक ये प्रोग्राम बन गया कि बाबा का अभिषेक होना चाहिए।
इसलिए हम लोग आज ही अभिषेक कर रहे हैं क्योंकि कल से सावन प्रारंभ है। हम लोग सावन प्रारंभ होने से पहले ये बाबा का पूजा हर वर्ष करते हैं। ये पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि सभी भक्तों का कल्याण हो, दुख दारिद्र दूर हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। भागलपुर जिला अतिथि गृह में बुधवार को बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में बियाडा की जमीन का रेट अधिक है और उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट में जमीन की कीमत कम करने के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बियाडा में जो उद्यमी जमीन लेकर उद्योग नहीं लगा रहे हैं वो जल्द से जल्द उद्योग लगा ले, नहीं तो उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। मंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग की ओर से शहर को तीन बड़ी सौगात मिली है जिसमें नाथनगर में 5 एकड़ जमीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए दी गई है जहां पर पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल की पढ़ाई होगी, जबकि इसके अलावा अलीगंज में 80 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस दौरान मंत्री ने भागलपुर से बाहर गए उद्योगपतियों से वापस आने का आह्वान करते हुए कहा कि अब सरकार भागलपुर और बिहार को समृद्ध बनाने के लिए यहां पर ही उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। है वो बहुत ज़्यादा है कई जगह, तो उसको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने उसको युक्ति संगत करने का निर्णय लिया है और वो बना रहे हैं, हमारे विभाग बना रहा है, जल्दी कैबिनेट में जाएंगे और उस पर निर्णय कराए। तो ये बिहार में पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक भागलपुर में खुलेगा जिसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से पढ़ाया जाएगा। AICTE से उसका अनुमोदन मिल गया है। 5 एकड़ ज़मीन हम लोग उसको यूनिवर्सिटी के पास जो हमारा है उसमें देंगे ताकि उसमें वो एक काम को कर सके। ये भागलपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो हम एक नया टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक दे रहे हैं। अलग पॉलिटेक्निक है ही लेकिन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग इन सब चीज़ों की पढ़ाई वहाँ पे होगी, इसको हम लोग कर दिए। तीसरी जो सूत मिल वाली जगह है उस पर हम लोगों के पास एक टेंडर हम कर चुके हैं 15 करोड़ रुपए का प्लग एंड प्ले। हम पूरे बिहार में 19 स्थानों पर प्लग एंड प्ले बना रहे हैं, बड़ा बड़ा शेड बना रहे हैं, चंपारण में बना रहे हैं, मुजफ्फरपुर, भीटा, हाजीपुर, भागलपुर में बनाने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को लेकर प्रपैती बाराहाट स्थित पिरोजपुर महर्षि में ही योग सेवा आश्रम ट्रस्ट मुरली पहाड़ में आचार्य संतानंद उर्फ मिश्री बाबा के नेतृत्व में स्तुति विनती ध्यान रामायण और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग जगहों से पहुंचे सत्संगी भाई बहनों ने कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित किया। वही कमेटी के अध्यक्ष परमानंद केजरीवाल, पंकज कुमार सिन्हा, स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद और रेणु देवी समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिला संत संगियों ने अपने गुरु को नमन करते हुए गुरु का आशीर्वाद लिया। इधर कार्यक्रम के दौरान आश्रम के आचार्य मिश्री बाबा ने विश्व शांति की कामना की, साथ ही देश में बढ़ते कोरोना महामारी को खत्म करने की कामना की। जिले में बारिश नहीं होने और खेत के सूख जाने के कारण जहाँ किसानों को फसल की रोपनी में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वही इसका खामियाजा बीज दुकानदारों को भी भुगतना पड़ रहा है। हाल यह है कि बीज की दुकान पर कोई भी किसान धान रोपने के लिए बीज लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि अब तक जिले में बारिश के अभाव में फसल उत्पादन की उम्मीदों पर भी पानी फिरता दिख रहा है। वहीं इसको लेकर बीज दुकानदार बलवीर कुमार ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण किसान धान का बीज नहीं ले जा रहे हैं जिससे किसान और दुकानदार दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि जिस किसान ने धान की रोपने के लिए पहले ही बीज डाल दिया है उसका सारा बीज सूख गया है। धान का अभी जो एकदम बिल्कुल नील हो गया, एक बार स्टॉक हो गया, धान का बीज बिकना बंद हो गया, ये बताइए अभी जीरो हो गया है, कोई किसान नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश से बारिश पड़ नहीं रहा, किसान मर रहा है, इसे बिचड़ा बुन नहीं रहा क्योंकि बारिश ने बारिश धान तो बारिश का ही है, इसीलिए किसान हताश हो गया है। बारिश के वजह से किसान बारिश नहीं पड़ रहा है तो किसान का बिचड़ा जो पहले बोया था वो मर रहा है, सूख रहा है।
नाथनगर के जिला पासी नवयुवक संघ द्वारा सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर पुनर्निर्माण पिंड पूजन हेतु भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा नाथनगर के श्री नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी परिसर से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर प्रांगण पहुंचा, जिसके बाद सभी भक्त जनों के अल्प विराम के बाद शोभा यात्रा पुनः अपने गंतव्य स्थान पासी टोला दुर्गा स्थान पहुंचकर संपन्न हुई। बैंड बाजों के साथ विशाल शोभा यात्रा और कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी मात्रा में महिलाएं और युवतियों ने सिर पर कलश रखकर भक्ति भाव में डूबते हुए शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। कलश शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। शोभा यात्रा के बाद कलश को नाथनगर पासी टोला के सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर प्रांगण में रखा गया। कलश शोभा यात्रा के समापन के बाद दुर्गा स्थान में भंडारण का भी आयोजन किया गया। वहीं युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव भी कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए और माँ दुर्गा से सभी के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने बताया कि नाथनगर पासी टोला दुर्गा मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर पिंड स्थापना हेतु कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। सुबह से ही शोभा यात्रा को लेकर मंदिर परिसर में भीड़ जुटने शुरू हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में माताओं और बहनों ने कलश शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और माँ दुर्गा से मिन्नतें मांगी। इस अवसर पर पन्नालाल चौधरी, विजय चौधरी, संजय शाह समेत नवयुवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। ये सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर पासी टोला के आज जो पुनर्स्थापना हेतु ये कलश शोभा यात्रा निकाला गया था, जो कि आज उसमें जो पिंडी का जो पुनर्स्थापना होगा, इसमें 8 कलश शोभा यात्रा पासी टोला दुर्गा स्थान से निकलकर नरसिंह भगवान काली मंदिर से जल लेके, या अभी हम लोग मनस्कामना मंदिर में 10 मिनट का विश्राम है, यहाँ के बाद फिर जो है हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर पासी टोला दुर्गा मंदिर में पहुँचेंगे और उसी का ये कलश शोभा यात्रा है, आज उसका पुनर्स्थापना है पिंड का। ये मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके लिए जो है ना, तो पिंड का स्थापना के लिए आज कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। ये नाथनगर पासी टोला से होकर के ललमटिया नरसिंह भगवान ठाकुरवाड़ी गया, वहाँ से होते हुए यहाँ जैन मंदिर मनस्कामनानाथ मंदिर आया, मनस्कामनानाथ मंदिर से पुनः जो है दुर्गा स्थान पासी टोला में जाके पिंड स्थापित होगी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज सज धज कर हुआ तैयार। एक माह तक चलने वाले मेला का गुरुवार को होगा उद्घाटन। नगर निगम के जलकल कर्मियों ने किया औजार बंद हड़ताल। पार्षद ने बोरिंग का तोड़ा ताला, शुरू हुई जलापूर्ति। कोलकाता से पूर्णिया जा रहे कंटेनर से गैस हुई लीक। लोगों में मची अफरा तफरी। प्रशासन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। गंगा घाट में स्नान के दौरान कांवरियों का सामान हुआ चोरी। संदेह के आधार पर पुलिस ने पंडा को किया गिरफ्तार। जमकर हुआ हंगामा। और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेश हुए उद्योग मंत्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।